आयशा। मेरा नाम मिशेल है। मेरा नाम जुबेरिया है। हम आपके सामने एक आयत पेश करेंगे, यसु मसीह अपने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जैसे यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपने पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह करने, उसकी राह सीधी बनाने। आमीन। मत्ती की अंजील उसका 11 बाब 1 आयत से पढ़ूंगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कासद। जब यीशु अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से चल पड़ा ताकि उनके शहर में तालीम देने और मुनादी करे। आमीन। मत्ती 3 बाब 2 या से 3 या तक। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका सारा नबी की मार्फत जू हो के बीगाबान में पुकारने वालों की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, इसके रास्ते सीधे बनाओ। आमीन। मेरा नाम सुमन है। मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। मेरे शहर का नाम टोबा ट्रैक सिंह है। मैं आपके सामने जबूर 91 पेश करूंगी। जबूर 91। खुदा हमारी पनाह है, जो हक तारा के पर्दों में रहता है, वो खुदा कादे मुदल के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदा के बारे में कहूंगी कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तू अक्ल है। वो तुझे सियाद के फंदों से और महल की वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने पड़ों से छुपा लेगा और तुझे इसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। इसकी सजाई ढक और सुपर है। तू रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना इसकी वबा से जो दोपहर अंधेरे में चलती है, ना इसकी हलाकत से जो दोपहर को वरान करती है। तेरे आसपास 1,000 गिरेंगे और तेरे दाएं हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगे। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के इंजाम को देखेगा। पर तू आए खुदा मेरी पनाह है। तूने हक तआला को अपना मकसद बना लिया है। तुझ पर कोई आंख ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेंगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब रास्तों में तेरी हिफाजत करे और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेगा, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेरे बबर और रोफियों को पुकारेगा। तू जो इन शेर और इसहाक को पेमार करेगा, जो कि इसने मुझसे दिल लगाया है, इसीलिए मैं इसे छुड़ाऊंगा। मैं इसे सरफराज करूंगा क्योंकि इसने मेरा नाम पहचाना है। मैं वो मुझे पुकारेगा, मैं इसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में इसके साथ रहूंगा। मैं इसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं इस उम्र की दराजी से नवाजूंगा। मैं अपनी नजात इसे दूंगा। आमीन। जैमसी की बाप बेटा दस से आमीन। ऐ मेरे बाप तू वहाँ पर है, ये नाम पढ़ा जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे यहाँ पर तू दिया जी बदलो। हाँ रोती आज मेरे और जीता तेरे अनंत माता में हमें बस हमें व्यास मन रहे बल्कि बच्चा दूध और जल में सते हैं। आमी जान सीधी सलाम। मेरा नाम सुनील है। मैं आपके सामने एक ऐत पेश करूंगा। लूका 4 बाब 42 से 44 ऐत तक। जब दिन हुआ तो वो निकल कर एक बड़ा जगह में गए और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। उसने उनसे कहा, मुझे और भी शहरों में खुदा की बादशाही खुशखबरी सुनाना जरूरी है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वो गली के बाद खानों में मनादी करता रहा। आमीन। जय मसीह दी। इतने तेरी पाक सुरी में खुदा हम सब को सुनने समझने का फजल बख्शना।
ताकि तेरे लोग तेरे कलाम से मुस्तफीद हों, इनकी जिंदगी में बेहतरी आए और अच्छा तुझे मिलता रहे। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। सुन ले, बख्श दे यीशु मसीह नासरी के नाम।